सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर माह में सभी शिक्षकों को 3 मॉड्यूल करने हैं। उनमें से मॉड्यूल जो 5वां है, माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझने के प्रश्न उत्तरी में हमारे कुछ साथियों को परेशानी आ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जो पहली प्रश्नोत्तरी फर्स्ट सेट है, उसका हम आंसर देख लेते हैं। विद्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य है कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना। दूसरा प्रश्न, सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है? तो इसका आंसर आएगा, सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा व्यक्तिगत केस योजना। सहपाठी दबाव शिक्षार्थियों को कौन सा प्रयास करना चाहिए? तो इसका आएगा अजीबोगरीब केस विन्यास रखने का। ये भी काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा कम आत्मविश्वास तथा घटिया आत्मसम्मान। इस प्रश्न का उत्तर आएगा उपयुक्त विकल्प बनाना। इसके बाद इसका है, इसके लिए प्रतिशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होती है। ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा, एक किशोर स्वायत्त प्राप्त करना चाहता है। किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है? यह सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। अगले प्रश्न का उत्तर आएगा जोखिम लेने वाला व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण का भाग है? तो ये है आंखों से संपर्क करना, सिर हिलाना, स्पष्टीकरण मांगना। परामर्श वाले प्रश्न का उत्तर आएगा व्यक्तिगत, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए। और इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। और इसके बाद इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसका आएगा लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। यह भी काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा प्रताड़ना। इस प्रश्न का उत्तर आएगा स्वयं के प्रति जागरूकता। इसका उत्तर होगा विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक चिंताओं में सहायता करना। ध्यान देने वाले प्रश्न का उत्तर होगा मौखिक तथा गैर मौखिक संकेतों को सुनना है। मार्गदर्शन प्रवृत्ति शिक्षक वह होता है जो किसी व्यक्ति के विश्वास, भावना और विचारों को करता है आगे। इसका उत्तर होगा सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रण करते हैं। तो आप देखेंगे, हम यहाँ पे चेक करते हैं उत्तर, तो देखो 20 में से 20 हमारे पूरे सही हो गए। अब हम सेकंड सेट पे चलेंगे, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति का गुण है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। इसमें से कौन परामर्श के लिए सही है? इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का उत्तर आएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, विद्यार्थियों के साथ सही मायनों में संबंध बनाने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर आएगा आर्थिक, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन। सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है? या सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। शिक्षकों का अपने विद्यार्थियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर आएगा उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुण प्रदर्शन करने में। इस प्रश्न का उत्तर आएगा जोखिम लेने वाला व्यवहार, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। इसका आएगा दूसरे सबसे महत्वपूर्ण रूप में सहपाठियों के साथ सामाजिक संपर्क, ये भी काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा शारीरिक छवि। सहपाठी दबाव वाला जो प्रश्न है, इसका उत्तर आएगा अजीबोगरीब केश विन्यास रखने का, ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। विद्यालय में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना।
इस प्रश्न का उत्तर आएगा विद्यार्थियों की मानसिक भलाई। मार्गदर्शन के चार प्रमुख चरण शामिल हैं, तो इसमें जो उत्तर आएगा वह है चिंताओं का विस्तार से तलाशना। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, व्यक्तिगत केस योजना इसका आंसर है। सहपाठी दबाव के लिए कौन सही है, सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए, और इस प्रश्न का उत्तर आएगा एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध। इस प्रश्न का उत्तर होगा स्वयं के प्रति जागरूकता। इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। अब चेक करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें हमारे जो उत्तर आए 20 में से 20 सही, तो हमारा सेकंड सेट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड सेट अगर किसी शिक्षक के पास आता है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा हमारा स्वयं के प्रति जागरूकता। और ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा शारीरिक छवि। समीर सातवीं कक्षा में है, इस प्रश्न का उत्तर आएगा व्यक्तिगत केस योजना। इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्थिक। ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसका आएगा एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। शारीरिक छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसका उत्तर आएगा कम आत्मविश्वास तथा घटिया आत्मसम्मान। इसमें कौन प्रभावी संचार में बाधा है, ध्यान देने के कौशल में की कमी। मार्गदर्शन प्रवृत्ति शिक्षक वह होता है जो किसी व्यक्ति के विश्वास भावना और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाता है। ध्यान देना मौखिक तथा गैर मौखिक संकेतों को सुनते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आएगा व्यक्तिगत सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए। सहपाठी दबाव वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर आएगा अजीबो गरीब केश विन्यास रखने का। अगला प्रश्न है इसका उत्तर आएगा शारीरिक छवि। इसके बाद अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों में व्यावसायिक मार्गदर्शन का उद्देश्य कैरियर चुनने में समझदारी से निर्णय लेना, और ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसका उत्तर आएगा प्रताड़ना। इनमें से कौन सक्रिय श्रवण, आंखों से संपर्क सिर हिलाना और स्पष्टीकरण मांगना। इस प्रश्न का उत्तर आएगा लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। इनमें से कौन विशेषता किशोर शिक्षार्थियों के लिए विशेषता नहीं है, स्वास्थ्य के मुद्दे। इस प्रश्न का उत्तर आएगा हमारा विद्यार्थियों के साथ सही मायनों में संबंध बनाने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर हमारा आएगा शारीरिक शक्ति का निर्माण करना। लॉरेंस कॉलबैक वाला आंसर कहेगा सामाजिक मानदंड और नियम किशोर। इसको चेक कर लेते हैं, तो 20 में से 20, तो आपने देखा हमारे तीनों सेट में 20 में से 20 नंबर आए हैं।